हेलो पीपल, मैं हूं शैन मॉक एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जी हां गाइस, मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स या इनफैक्ट बहुत सारे क्लोज कॉन्टैक्ट्स को देखा है जो कई सालों से कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि हमें शेंगेन का वीज़ा लग जाए, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग जाए, कनाडा का वीज़ा लग जाए, यूएस का वीज़ा लग जाए, यूके का वीज़ा लग जाए, बट गाइस हर बार वो फेल हो जाते हैं। गाइस, वीज़ा अप्लाई करना कोई आसान बात नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपकी मेंटली आपकी बहुत पेशेंस चेक की जाती है, और जो वेटिंग पीरियड होता है जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं और रिज़ल्ट आने तक का जो टाइम होता है, ये टाइम बहुत ही डेंजरस होता है। इनफैक्ट बहुत ही कठिन होता है और डिफ़िकल्ट होता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा, 60+ कंट्रीज मैंने कवर किए हैं पास्ट में। तो गाइस, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे हज़ारों लाखों लोगों की मदद हो सके। अब गाइस, होता ऐसा है कि हम इंडियंस या बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इनफैक्ट श्रीलंकन्स भी जब अपने होम कंट्री से शेंगेन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो चांसेस ऑफ रिजेक्शन ऑलमोस्ट 70-80% होते हैं। एक्सेप्शन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे कि कोई किसी का ITR बहुत स्ट्रांग है, बैंक बैलेंस बहुत स्ट्रांग है, सभी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली ऑर्डर में है, तो उनको वीज़ा मिल जाता है। बट गाइस, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक बैलेंस अच्छी नहीं होती है। अगर बैंक बैलेंस थोड़ी बहुत अच्छी भी है तो ITR रिटर्न नहीं होता है। अगर ये भी है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में किसी न किसी डॉक्यूमेंट से वो मार खा जाते हैं और उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो गाइस, ये जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, ये आज की नहीं, कई सालों से कई लोग इससे गुजर रहे, इसे फेस कर रहे हैं। और गाइस, इतने सालों से मैंने भी देखा है कि शेंगेन वीज़ा पाना, US का वीज़ा पाना, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, बहुत लोगों का सपना होता है, और कुछ हद के बाद वो एक ज़िद बन जाती है, क्योंकि एक बार, दो बार, पांच बार, सात बार मैंने देखा है, आठ बार तक लोगों का रिजेक्शन मैंने देखा है, पाँच पाँच साल, तीन तीन साल से वो ट्राई करते हैं। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है रिजेक्शन की, ये 99% ख़त्म हो सकती है। जी हाँ गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, इनफैक्ट ITR भी नहीं है, इनफैक्ट आपके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी नहीं है, उसके बावजूद आपके लिए इन कंट्रीज़ के वीज़ा आसानी से आपको मिल जाएंगे। इन कंट्रीज़ के वीज़ा आपके लिए बहुत आसानी से अप्रूव हो सकते हैं। तो इन कंट्रीज़ के नाम है US, कनाडा, UK, आयरलैंड, शेंगेन सभी 26 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनफैक्ट बाकी जो कंट्रीज है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगती है, उनका भी वीज़ा आपको आसानी से मिल जाए। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आप सोचते होंगे ऐसा कौन सा रास्ता है, क्या ऐसा वे है जिससे हम रिजेक्शन से बच सकते हैं। तो गाइस, ये बहुत ही सिंपल वे है और इसमें मैं आपकी 100% फ्री में मदद करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस मुझे बहुत बुरा लगता है जब किसी सब्सक्राइबर का मैं न्यूज़ सुनता हूँ या वो मुझे व्हाट्सएप करते हैं, इंस्टाग्राम पे DM करते हैं कि सर मेरा वीज़ा फिर रिजेक्ट हो गया। तो गाइस, उनकी टाइम बर्बाद हो जाती है, पैसा भी बर्बाद हो जाता है, और मिडिल क्लास या लोअर क्लास या इनफैक्ट मनी सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है गाइस। जब किसी की मेहनत की कमाई 10-15 हज़ार वेस्ट हो जाते हैं, और एक साल नहीं, हर साल वेस्ट हो जाते हैं, तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं उनको डिस्क्राइब करने के लिए गाइस। आप समझ सकते हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जिनका भी रिजेक्शन मल्टीपल टाइम्स हुआ है। तो गाइस, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, अगर आपको जिन कंट्रीज़ के मैंने आपको नाम बताए, ये सभी पावरफुल, बड़े ही डेवलप कंट्रीज़ है, और इनका वीज़ा पाने के लिए काफ़ी सारे लोग बहुत कोशिश करते हैं। तो गाइस, इसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जहां आप आसानी से सिर्फ आपकी पासपोर्ट और दो फोटोग्राफ पे आप इन कंट्रीज़ की वीज़ा ले सकते हैं। तो गाइस, बहुत सारे रास्तों में से सबसे पहले मैं आपको एक रास्ता बताता हूं, बाकी जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट रास्ते हैं वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना या तो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, वहां मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि गाइस हर एक कैंडिडेट की प्रोफाइल के हिसाब से मैं उनको बता सकता हूं। एक जनरली मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन देता हूं, तो गाइस वो ऑप्शन है एक कंट्री में जाना इंडिया से वीज़ा लेके। जब आप इंडिया से वीज़ा लेके इस कंट्री में जाएंगे, वहाँ आपकी TRC बन जाती है। जब आपकी TRC बन जाती है, उसके बाद जब आप अप्लाई करते हैं, चाहे वो शेंगेन वीज़ा हो, आयरलैंड का हो, UK का हो, US का हो, कनाडा का हो, आपको 99% वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं। अब गाइस, ये कंट्री है टर्की। जी हाँ गाइस, टर्की में अगर आप इंडिया से वीज़ा लगा के, टर्की का ही वीज़ा भी मिलता है,
आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, टर्की ई वीज़ा हाउ टू अप्लाई हाउ टू गेट, मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आप इंडिया से टर्की का वीज़ा ले लेते हैं और आप टर्की में चले जाते हैं तो वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपकी टीआरसी का काम स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आपको वहाँ की टीआरसी मिल जाती है उसके बाद गाइस मैं आप गारंटी देता हूँ 100% गाइस कि आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करें, कनाडा करें, शेंगेन करें, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी पावरफुल कंट्री का वीज़ा अप्लाई कीजिए, आपका रिजेक्शन नहीं आएगा। गाइस ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है, काफ़ी सालों से उनकी रिजेक्शन आ चुकी है, इनफैक्ट हर एक कंट्री से उन्होंने जिन भी कंट्रीज में ट्राई की है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है गाइस उन लोगों के लिए। तो अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और आपको और रास्ते और ऑप्शन जानने हैं जो कि बहुत ही सिंपल है तो आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मुझे DM कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके गाइस जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का उसे ज्वाइन करके मुझे टेक्स्ट कीजिए, पर्सनली मुझे टेक्स्ट कीजिए गाइस, मैं आपकी हेल्प 100% कर दूंगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।